हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, 10 मार्च 2018 को आज जो एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम हुए हैं उसमें जनरल अवेयरनेस के जो क्वेश्चन आए हैं फर्स्ट दो शिफ्ट में, शिफ्ट वन और शिफ्ट टू में, उसके कुछ क्वेश्चंस मुझे मिल गए हैं और उस पर मैं ये वीडियो लेकर आ रहा हूँ। तो आई होप दिस विल बी यू नो इन्फॉर्मेटिव फॉर यू। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि जैसे भी एग्ज़ाम होते रहते हैं और क्वेश्चन मिलते रहते हैं मैं उन पर सभी वीडियो बना के अपलोड करता रहता हूँ। तो अगर आप चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट विद। दोस्तों, पहला क्वेश्चन यहाँ पर काफ़ी फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन था कि नेपाल का ज्योग्राफिकल एरिया पूछा गया था। तो ये काफ़ी यू नो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अभी न्यूज़ में कुछ अगर नेपाल के एक्टिविटीज़ के रिगार्डिंग यू नो करंट अफेयर चल रहा था तो उससे रिलेटेड है। एरिया जो नेपाल का है वो 147181 किलोमीटर स्क्वायर है। ऑलराइट, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज के स्टैंड्स फॉर इन PMKSY? तो PMKSY में K की फुल फॉर्म पूछी हुई थी। तो PMKSY की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। ठीक है, ये नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च की थी स्कीम, ये बेसिकली इरिगेशन पर्पस के लिए है। तो इसमें जो K है वो हो जाएगा कृषि। ऑलराइट, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में बेसिकली दोस्तों पूछा गया था कि अरुणाचल प्रदेश डज नॉट शेयर बॉर्डर विच स्टेट। देखिए, यहाँ पर ऑप्शन मुझे नहीं मिल पाई है तो मैंने क्या किया है, आपको यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश का मैप यू नो जो है उससे एसोसिएटेड जितने बॉर्डर स्टेट्स है उनका मैप मैं यहाँ पे रख रहा हूँ ताकि आप खुद ये तो जज कर पाए कि जो आपका ऑप्शंस आए थे उसमें से आपने क्या आंसर सेलेक्ट किया है और वो कितना सही है। तो अरुणाचल प्रदेश के लिए देखिए, पहली बात तो ये तीन जो इंटरनेशनल कंट्रीज़ हैं उसके साथ बॉर्डर लगाता है। चाइना ऊपर है, ठीक है, वेस्ट में भूटान है और ईस्ट में म्यांमार है। साउथ में जो इंडियन स्टेट्स हैं उसमें जैसे असम और नागालैंड जो है वो ये टच करता है। इसके अलावा जो ये मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा या फिर मेघालय ये अरुणाचल प्रदेश के साथ बॉर्डर नहीं बनाते हैं। ठीक है, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। ये भी बिल्कुल काफ़ी फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन था। बेसिकली अभी ये RBI की कुछ रिपोर्ट आई थी वो ये यू नो रिसेंटली, उसमें से ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि आफ्टर डिनोमेटाइजेशन हाउ मच परसेंटेज मनी बैक टू RBI। तो ये है बेसिकली 98.96% जो है पैसा डिनोमेटेशन के बाद वापस RBI तक पहुँच गया है। ऑलराइट, इसके अलावा दोस्तों एक यू नो फिजिक्स रिलेटेड क्वेश्चन था कि कुछ यू नो करंट दिया हुआ था और वोल्टेज दिया हुआ था, पावर निकालनी थी। तो देखिए एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था या फिर उसके ऑप्शंस क्या थे ये मेरे पास अवेलेबल नहीं है। तो यू नो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं यहाँ पर, तो जो स्टूडेंट्स ने मुझे बताया है वो इतना ही बता पाए हैं। तो मैं दोस्तों यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, आपसे फॉर्मूले शेयर कर रहा हूँ और यू नो आई थिंक ये आपको यू नो हेल्प करेंगे टू यू नो एनालाइज कि आपने क्या क्वेश्चन आया था और आंसर क्या लगाया। देखिए, जो वोल्टेज होता है वो होता है करंट मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस। ठीक है, और जो करंट होता है वो होता है इसका डिवीजन अगर कर दे तो वोल्टेज डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। ऐसे ही आप रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। अब अगर जो पावर देखें, पावर का सिंपल फॉर्मूला आप याद कर लीजिए वो है वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय करंट। अब अगर करंट दिया हुआ है, रेजिस्टेंस दिया हुआ है, तो आप यू नो वी की वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं। वी की वैल्यू आप पुट कर लीजिए, आई इंटू आर, वो आपका आ जाएगा। सिमिलरली अगर आपको वोल्टेज या फिर आर दिया हुआ है तो इस फॉर्म में भी आप चेंज कर सकते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन आपको क्या प्रोवाइडेड है आप इन तीनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज करके पावर निकाल सकते हैं। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स। इक्वेटर डज नॉट पास थ्रू विच कंट्री? चॉइस में दी हुई थी केनिया, मैक्सिको, इंडोनेशिया, ब्राजील। दोस्तों देखिए, वैसे थोड़ा सा टफ क्वेश्चन बन जाता है क्योंकि एग्जैक्टली सारी यू नो लोकेशन जो होती है या इक्वेटर जाने से पास करना होता है मुश्किल होता है, आई कैन अंडरस्टैंड। लेकिन अगर किसी को ब्राजील का थोड़ा सा आइडिया है तो वो इस क्वेश्चन को इजीली अटेम्प्ट कर सकता था। देखिए, ब्राज़ील एक ऐसी एकमात्र कंट्री है पूरे वर्ल्ड में जिसमें से आपका इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास होता है। अगर आप ब्राज़ील का मैप देखें, ये देखिए, ये इक्वेटर पास हो रहा है और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास हो रहा है। ठीक है, अब अगर इक्वेटर ब्राज़ील से पास हो रहा है तो मैक्सिको तो काफ़ी ऊपर पड़ता है, राइट? मैक्सिको ये है, इधर एरिया पड़ता है, तो डेफिनेटली इक्वेटर मैक्सिको से पास नहीं होगा। तो अगर ब्राज़ील की ये इन्फॉर्मेशन आपके पास है तो आप इस आंसर को सेलेक्ट सही कर सकते हैं, वो है मेक्सिको। इसका आंसर हो जाएगा कि मेक्सिको से पास नहीं होता इक्वेटर। ठीक है, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेवंथ। विच स्टेट डोंट शेयर इंडो पाक बॉर्डर? तो यहां पे कुछ इंडियन स्टेट्स दी हुई थी और उसमें तो पूछा गया था कि कौन सी स्टेट इंडो पाक बॉर्डर को टच नहीं करती है। तो ऑप्शन में थे गुजरात, राजस्थान, हिमाचल, पंजाब। तो दोस्तों देखिए, वैसे तो इसका आंसर पंजाब, सॉरी हिमाचल होगा, और
चार ऐसी स्टेट्स हैं इंडिया में जो कि इंडो पाक बॉर्डर को टच करती हैं, वो हैं गुजरात, राजस्थान, पंजाब और फिर जम्मू कश्मीर। और वो स्टेट जिसका सबसे ज़्यादा लेंथ वाइज इंडो पाक बॉर्डर है तो वो है राजस्थान। राजस्थान का जो बॉर्डर इंडो पाक के साथ है वो सबसे ज़्यादा लेंथ में लंबा है, तो ये भी इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी चाहिए। हिमाचल इंडो पाक के साथ कोई बॉर्डर नहीं बनाता है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा हिमाचल। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं कि अगर फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन हुआ है तो हम किसको अप्रोच कर सकते हैं, हमें किसे अप्रोच करना चाहिए। ऑप्शन में प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, सुप्रीम कोर्ट, गवर्नर। तो देखिए दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट जो है ही यू नो सुप्रीम कोर्ट इज द प्रोटेक्टर ऑफ द फंडामेंटल राइट, ये हम सब जानते हैं। फंडामेंटल राइट का अगर कोई भी वॉयलेशन हो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के पास ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन है फॉर हियरिंग द केस ऑफ फंडामेंटल वॉयलेशंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ई रकम दिया हुआ था और वट एम स्टैंड फॉर, एम की फुल फॉर्म क्या होगी। तो देखिए ई रकम की अगर आपके पास फुल फॉर्म है तो आप कर सकते हैं, ई फुल रकम की फुल फॉर्म में ई राष्ट्रीय किसान एग्री मंडी, और ई फॉर होता है इलेक्ट्रॉनिक। तो देखिए दोस्तों, इस तरह के फुल फॉर्म बेस्ड क्वेश्चंस इस बार एसएससी सीएचएसएल में काफ़ी आ रहे हैं, तो जितने भी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं या पोर्टल्स हैं जो गवर्नमेंट लॉन्च कर रही है यू नो रिफॉर्मेशन के लिए, इन सभी के फुल फॉर्म एटलीस्ट आपको ध्यान रहने चाहिए। ठीक है, तो ये जो एग्रीकल्चर जो मंडी वगैरह होती है उन सबको यू नो इंटरनेट पर आपस में नेटवर्किंग करने के लिए ये यू नो प्रोग्राम चल रहा है, ई राष्ट्रीय किसान एग्री मंडी। ऑलराइट, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10th है, व्हाट इज द फिस्कल डेफिसिट विल बी बाय 2022 एंड 23 फोरकास्टेड बाय एनके सिंह। तो देखिए रिसेंटली एक रिपोर्ट आई थी एनके सिंह जी की, उन्होंने फोरकास्ट किया था कि 2022 और 23 तक फिजिकल डेफिसिट कुछ हो जाएगा, तो वो आपसे अमाउंट ही पूछा हुआ है कितना डेफिसिट हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 2.5%। तो ये घट जाएगा, अभी करीबन यू नो का 3 से ऊपर ही है, तो ये घट के 2.5 हो जाएगा और ये एक अच्छे संकेत होंगे इंडियन इकोनॉमी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कुछ यू नो फंक्शन पूछा हुआ था गार्ड सेल ऑफ स्टोमा, ऑप्शन जो थी मेरे पास वो अवेलेबल नहीं है, तो जो एक जनरल फंक्शन होता है गार्ड सेल ऑफ स्टोमा का वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो स्टोमेटा जो होता है उसके अंदर जो स्टोमा होते हैं, गार्ड सेल्स आर द सेल्स सराउंडिंग ईच स्टोमा, तो हर एक स्टोमा को सराउंड करने वाले जो सेल्स होते हैं उन्हें गार्ड सेल्स कहा जाता है, और इनका फंक्शन होता है दे हेल्प टू रेगुलेट द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन बाय ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टोमा। तो जो स्टोमेटा का जो ओपनिंग और क्लोजिंग होता है ट्रांसपिरेशन के लिए यू नो फोटोसिंथेसिस के वक्त पे जो वो ट्रांसपिरेशन करते हैं उसको रेगुलेट करने में ये हेल्प करते हैं। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, हु फॉट बक्सर वार फ्रॉम इंग्लिश साइड, तो इंग्लिश की साइड से, ब्रिटिश की साइड से बक्सर वार किसने लीड किया था, तो वो होते हेक्टर मुनरो। ठीक है, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। 13th क्वेश्चन है, हु इज द फाइनेंस मिनिस्टर इन 1991, वो थे मनमोहन सिंह जी। दोस्तों देखिए यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूजन हो सकता है कि यार ऐसे तो हम सभी फाइनेंस मिनिस्टर को याद नहीं रख सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन 1991 जो था एक ऐसा इंपॉर्टेंट ईयर था जहाँ पर इंडियन इकोनॉमिक में फिस्कल पॉलिसी चेंज हुई थी, लिबरेशन ग्लोबलाइजेशन की यू नो प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी आई थी, तो ये ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये किस प्राइम मिनिस्टर के टाइम पर हुआ था और कौन से फाइनेंस मिनिस्टर के टाइम पर हुआ था ये आपको याद होना चाहिए। तो प्राइम मिनिस्टर उस टाइम थे अपने नरसिम्हा राव जी, और जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वो थे मनमोहन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 14th क्वेश्चन, परमानेंट सेटलमेंट इज आल्सो नोन एज, तो जो ऑप्शन थे उसमें से था जमींदारी सिस्टम, तो इसको जमींदारी सिस्टम भी यू नो करते हैं। तो दोस्तों ये थे 14 क्वेश्चन जो शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 से मुझे अभी मिल पाए हैं, अभी इवनिंग शिफ्ट के भी यू नो एग्जाम कंप्लीट होगा उसमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे मिल पाएंगे मैं उसके लिए भी वीडियो बनाऊंगा, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो भी मैं वीडियो बनाता रहूँगा आपके पास इंस्टेंट नोटिफिकेशन आता रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।